मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि मेरे पिताजी इंडियन आर्मी के नायक थे, 1972 की वॉर में खून पसीना लगाया देश के लिए। उनका बेटा होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि हम मुसलमान जिनके पास हथियार रखना प्रॉफिट मोहम्मद की सुन्नत है, हम भी एक इंडियन इस्लामिक दल डालना चाहते हैं, 25 लाख नौजवानों को तलवार और जमीये से ट्रेनिंग देना चाहते हैं। क्या हमें इसकी इजाजत मिलेगी आज की मोदी गवर्नमेंट में? एक इंडियन आर्मी के अंदर इस्लामिक रेजिमेंट डालिए बोलकर मैं कई सालों से कोशिश कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, तमाम आतंकी सरगना रखो, हम निपट लेंगे इंशाल्लाह। एलईडी रहो, आईसीस रहो, नहीं निपट सकते, सिख नहीं निपट सकते, हिंदुस्तानी नहीं निपट सकते, एक इस्लामिक अरेंजमेंट डालिए, हम सबसे निपट लेंगे इंशाल्लाह।